नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर लेके आए आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा काम। जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ दिन पहले कि जो बकरी पालन है वो कैसे करें, उसमें बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे। आज मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप नए हो वीडियो देख लेना, बहुत खास होने वाला। अगर आप पुराने हो तो आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो बहुत सारे लोगों ने करा। सबसे ज्यादा जो लोगों का सवाल ये आया कि भैया अगर बकरी पालन इतना आसान होता तो लोग पाल के अमीर बन गए होते, गांव में सारे बंदे अमीर ही होते। सबसे पहला सवाल लोगों का ये था कि अगर बकरी पालन इतना अच्छा होता तो लोग अमीर क्यों नहीं है बकरी पालने वाले। बहुत अच्छा सवाल था, सारे चीज़ का मैं जवाब दूंगा। देखिए आपको वीडियो पूरा देखना, आपका हर चीज़ का जवाब मिलेगा। जितने क्वेश्चन आए थे मैं बताता जाऊँगा लोगों ने क्या क्या सवाल करे, और सारे के सारे ऐसे बताऊँगा और कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा। आपने शायद मुझे लग रहा है या तो वीडियो पूरा नहीं देखा या आपने समझने की कोशिश नहीं। कई सारे लोगों ने कहा कि अरे इनमें बीमारियां बहुत आती हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन मैंने सबसे पहले बताया था कि आप इसको वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि बरसात के मौसम में वैक्सीनेशन की 100% जरूरत होती है। अगर नहीं कराओगे तो किसी के जो खुर पका होता है या कई सारे रोग होते हैं वो लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक सूजन आती है गले में, उससे बहुत सारे जो बकरी वगैरह ये मर जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि ट्रेनिंग इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना आप नॉलेज के कोई काम करते हो तो उसमें लॉस होना लगभग होता है। अगर ट्रेनिंग लेके करते हो तो वो सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो वीडियो में बहुत अच्छी तरह और बहुत बढ़िया समझाने वाला, पूरा देख लेना। फिर कहूँगा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी ऐसी जानकारी दूंगा ना 100% काम करेगी और 100% ये प्रॉफिट वाला बिजनेस है। लोग कर रहे हैं, अगर आप फायदे में नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप तरीके से नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो को सारी कवर करने की कोशिश करूँगा। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे वीडियो हमारे से जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यार बढ़िया और अच्छी चीज़ लेके आता हूँ और पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है आपको बारीकी से समझाने। सबसे पहली चीज़ पे चलते हैं कि हमने स्टार्ट करा था कि भैया मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। मैंने कहा 10 बकरी से स्टार्ट कर लो, तो लोगों का ये भी सवाल आया था कि भैया मेरे पास एक 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपये ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है ना, आपके पास 10,000 हैं, 5,000 हैं, 20,000 हैं, जितने हों। यहाँ पर ये कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि मैंने बोल दिया नहीं जी 10 से ही स्टार्ट करना है। अगर आपके पास कम है तो भैया मैंने आपको ये भी, आप खुद जाके सर्च कर लो। मैं सही बताऊँ, मेरी बात को क्यों भरोसा करोगे, मत मानो। आप खुद जाके सर्च कर लो और आप रिजल्ट देख लो, अपने 1-2 से भी स्टार्ट कर सकते हो यार। और नहीं भी है ना, कोई बात नहीं। आप जब ये कहते हो ना मेरे पास एक पैसा नहीं, मत आपके पास कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप बटाई पर देखा होगा, बटाई समझते हो ना कि अगर किसी के 4 बच्चे आपने ले लिए तो 2 बच्चे आपके हो जाएंगे दो उसको, और बकरी के बच्चे 6 से 8 महीने में तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 8 महीने में। आप क्या कर सकते हो भैया, इतना कर लो कि चलो 1 साल तक आप बिना मेहनत के काम कर लो, मतलब मेहनत कर लो। आप किसी से ऐसे बच्चे ले लो जिनको पालने के लिए, पालने के बाद 50-50 हो जाएगा, आधा आपका हो जाएगा, आधा अगर आपने 10 बच्चे किसी के ले लिए, 5 उनको मिल जाएंगे, 5 आपके बन जाएंगे। तरीके सारे हैं, बस दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा ये आना चाहिए तो ये करें कैसे, बस। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे बहुत हैं गाँव में भी, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम फिर बात करेंगे 10 बकरी से, ठीक है। अब 10 बकरी की कॉस्ट कितनी आएगी, जो मैंने पहले भी बताया था दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले 5 बकरी आपको ऐसी लेनी है जो 1 से 2 महीने के अंदर बच्चे देने वाली। इसमें भी बहुत सवाल होते थे कि यार इसमें टाइम बहुत कम लिया, मतलब मैंने जो टाइम लिया था कि 5-6 महीने में लगभग साल में 2 बार बच्चे ले, आज इस बार हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं आपके कहने पे कि भैया चलो हम 12 की जगह 15 महीने तक ले लेते हैं। कैलकुलेशन फिर समझा दूंगा, ठीक है। 5 बकरी ऐसी लो जो 1 से 2 महीने में बच्चे दें, ठीक है। ये आपको कितने के आ जाएंगे, फिर कैलकुलेशन लेते हैं कि आपको 15,000 से लगाना, हम एवरेज मोटा मोटा लगा रहे हैं इसलिए। तो ये आपको कितने की हो जाएंगी, 75,000, ठीक है। 5 बकरी ऐसी लगनी है, बकरी के बच्चे लेने हैं जो मान लो 5 से 6 महीने के, ठीक है। बच्चे ये मान लो आपके 10,000 से लगा लो, कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 1,25,000, कितना आपका इन्वेस्ट हो गया 1,25,000। और अगर जिन लोगों का ये सवाल था कि यार इतने पैसे हैं ही नहीं भैया, मैंने फिर आपको समझा दिया पीछे कि आप चाहो तो भैया 1-2 से स्टार्ट कर लो, 2 से स्टार्ट कर लो, 5 का पैसा तो 5 से स्टार्ट कर लो, और इससे ज़्यादा है तो आप 20 से स्टार्ट करो, रिजल्ट और ज़्यादा डबल होता है इसमें भाई साहब। प्रॉफिट ये नहीं बचता कि 20% बच गया, 30% बच गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मतलब आपका सीधा डबल, 3 गुना 4 गुना पैसा होता है। समझ लेना कैसे, 2 साल के और 2.5 साल के अंदर
पिछली बार मैंने 2 साल का कैलकुलेशन लिया, इस बार 6 महीने और बढ़ा देता हूँ, आपको 2.5 साल के अंदर कम से कम बता रहा हूँ 10 से 15 लाख का प्रॉफिट होगा अगर आपने सही तरीके से करा तो। अब सबसे पहले इसके लिए आ जाओ, फिर मैं अभी एक बार बोलता हूँ, इसके लिए ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी है और अच्छे उससे ट्रेनिंग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी, जो सर्टिफिकेट देता हो, जो आपको देता हो कि हाँ जी आपने ट्रेनिंग ली है, हमारे यहाँ से ये सर्टिफिकेट है जो आपको लोन लेने में काम आएगा, उस पर सब्सिडी मिलती है लोन में, ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि सब्सिडी तभी मिलेगी जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, और डॉक्यूमेंट के लिए मैं बताऊँ आप किसी CA से बात कर लो, सारी चीज़ें बन जाती हैं, और लोन पे सब्सिडी भाई साहब इंटरेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, सब्सिडी मिलती है 35 से 50%, अगर सपोज करिए आपने 5 लाख लिया, 2.5 लाख ही भरना पड़े, कितना अच्छा है बताओ, और 2.5 लाख भर के अगली बार आप उसको 10 कर लो, अब 10 में 5 लाख भरना पड़ेगा, आप इसको ऐसे कर सकते हो यार, यहाँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट अगर आप सही तरीके से, लेकिन शायद मुझे बताओ अगर आप लोगों ने किसी ने अब तक बकरी पालन पर लोन लिया हो तो, मैं कहूँगा ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिया होगा, 99% 1% किसी ने लिया हो तो लिया हो, मोस्टली नहीं लेते लोग, उन्हें आइडिया ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो इतना बड़ा वो होता है, ना वो सोचते हैं यार बैंक में कौन लोन लेगा कौन जाएगा, सब्सिडी की तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता ही नहीं रहता यार सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन जब आपको नॉलेज होगी जब सही चीज़ आप सीखोगे, सरकार तो लोगों को पैसे दे रही है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लेने का आइडिया नहीं है, और बैंक वाले भैया थोड़े से इतने वो होते हैं कि वो अगर आप सीधे साधे बंदे हो ना और थोड़ा सा नॉलेज नहीं है आपको बिल्कुल भी नहीं पूछते, ये बहुत मैंने देखा है कि बैंक जो ग्रामीण बैंक लेवल पे गांव के लेवल पे जो बैंक होते हैं ना वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करते, मैंने खुद जाकर उन बैंकों में देखा उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप देखो धीरे धीरे करके सुधार आ रहा जब से सरकार थोड़ी सख्त हुई है, मैंने तो ऐसा देखा कि भाई साहब जब आप जाओगे ना लोन के लिए सीधे मुँह बात नहीं करते, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एक दो बंदे ने अगर प्रयास भी किया होगा वो इतने डॉक्यूमेंट और इतना वो बता देंगे ना कि भाई साहब बंदा भागता ही रहेगा, सोचे यार छोड़ो, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो आप इसको कोशिश करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आते हम अपने टॉपिक पे, अब हमारे पास 2 महीने बाद कितने बच्चे होंगे, जब सपोज करिए भैया 102 महीने के बाद बच्चे देने वाली बकरी होंगी तो 5 बकरी के फिर हम 1.5 से कैलकुलेशन करेंगे, लोगों ने कहा था कि हर बकरी के 2 से एवरेज नहीं लगा सकते, ये भी एक सवाल था कि यार हर बकरी 2 बच्चे नहीं देती, अब की बात मान लेते हैं चलो हम 1.5 लगाते हैं, कायदे में तो 2 का एवरेज लिया जाता है अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन करोगे तो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कोई 1 देती है, कोई 2 देती है, कोई 3, कोई 4 भी देती है, ठीक है, हमने एवरेज लगाया था 2 का, लेकिन आपके कहने पर हम इसको भी कम कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि 1.5 का एवरेज है, अब 1.5 का 7.5 मत कर देना, क्योंकि लोग सोचते हैं यार 1.5 का 5 का तो 7.5 होता है, इसको 8 ले लेते हैं या 7 ले लीजिए, आपकी सुविधा के लिए 8 ले लेते हैं, तो कितने बच्चे होंगे आपके पास 2 महीने बाद 8 बच्चे हो जाएंगे, 10 आपके पास पहले से थे, कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, टोटल कितनी बकरी होगी आपके पास 18, इसमें 4 हो सकता है मेल हो, क्योंकि जो 4 और 8 बच्चे हैं इसमें 4 मेल बाल देते, 4 फीमेल बाल देते, 4 बकरी 4 बकरे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, 2 महीने में आपके पास 18 हो गए 10 के, कितने महीने हुए अभी 2 महीने, अब हम लगा लेते हैं 6 से 7 महीने और लगा लो, ठीक है, तो आपके पास 2 ये हो गए, 8 महीने लगा के चलो, 8 महीने बाद की कैलकुलेशन क्या होगी, ये भी 5 जो हमने लिए थे 5 ये और 5 ये, 10 बकरी कम से कम बच्चे देने के लिए तैयार हुई 8 महीने बाद, 1.5 का कैलकुलेशन करेंगे कितना हो गया 15, कितने थे हमारे पास 18, कितना हो गया 33 बच्चे, टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 महीने के अंदर 33, आपके पास 10 से स्टार्ट किया 8 महीने में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ कितने हो गए आपके पास 33, अभी तक आपके पास इनकम का कोई सोर्स, इनकम की आपकी एक चीज़ और बताऊं, लोग कहते हैं कि इनकम इसमें कम से कम मान के चलो 1 से 1.5 साल तक आप भूल जाओगे आपको कोई पैसा आएगा, लेकिन 1.5 साल बाद फिर आपको हर महीने क्या जब चाहो तब आपका पैसा आता रहेगा, ये एसेट है ऐसा जो जब चाहो जब कैश करा सको, 33 आपके पास जानवर हो गए कितने महीने में केवल और केवल 8 महीने में, 1 साल भी नहीं हुआ, एक और छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे फिर आएंगे, अभी इसको एक चीज़ और है, लोगों को बहुत सारे सवाल थे कि भैया इसको पालने के लिए भी जगह भी तो चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब कम जानवर होते हैं ना 20 25 30, तो आप छोटे से गाँव में क्या होता है लोग नॉर्मली सबके पास थोड़ी सी जगह होती है, अगर आप मेरी बात को मानते हो तो हर बंदे के पास लगभग लोग अपना घर रहता, और इनको पालने के लिए कम जगह में, बकरी का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कम खाती हैं और कम जगह में इनको रखा जा सकता है, अगर एक कमरा है ना आपके पास थोड़ा सा बड़ा
20x10 का भी है, तो मुझे लग रहा है 20-30 बकरियां उसमें आराम से रह सकती हैं, आराम से, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अभी आगे अगले स्टेप पे आऊँगा, एक साल के अंदर आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप इसको जगह आगे बनवा लोगे, उसको कैलकुलेशन समझना। खाने की बात करूँ, लोगों ने ये भी बोला था कि यार ये खाएंगे क्या। देखिए खाने की बात ऐसी कि बकरियाँ बहुत कम खाती हैं, पहले तो 1 से 2 किलो का एवरेज रहता है एक बकरी का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है इनको खाने में जो दिया जाता है, मोस्टली बता रहा हूँ, अगर गाँव में रहते हो तो लगभग फ्री में मिल जाता है, हम मान लेते हैं आप पैसे से भी लेते हो, लेकिन इसका जो दूध होगा ना, अभी जैसे सीजन चल रहा है सितंबर अक्टूबर और नवंबर या फिर अगस्त से बुखार का सीजन होता है ना, डेंगू मलेरिया टाइफाइड इन सब में भाई साहब जो बकरी का दूध होता है ना बहुत महंगा बिकता है, और नॉर्मली भी बिकता है, ये बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप, अगर आपको नहीं पता तो शायद आप इसको बेच ही नहीं पा रहे होगे, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इसको नहीं बेच पाते, बेचे कहाँ, लेकिन ये बहुत महंगा बिकता है। अगर आप इसको बेचना आता, आप तरीका देखो कि इसको कहाँ बेच सकते हैं, आपको सोर्स लगाने पड़ेंगे, जब ट्रेनिंग लोगे ना तो वो बताएंगे कि इसके दूध को कहाँ हम सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं कि भैया हम कैसे कैसे इसका कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यही ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको सिखाया जाता है, तो वो आपको उसका दूध बेच कर इनका खर्चा निकाल सकते हैं, ना बिके कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं भी बिक रहा है यार खुद यूज़ कर लीजिए, अगर आपके जो घर में रहती हैं मोस्टली बकरियाँ जैसे बाहर चरने नहीं जाते उनका दूध भी अच्छा होता है, अगर आपने नहीं पिया शायद आपको लग रहा होगा बकरी का दूध कैसा, मोस्टली मैं बताऊं जिसने पिया उसको पता, मैंने पिया बचपन में तो मैंने तो बहुत पिया, ठीक है। बता रहा हूँ कई लोग कहते हैं यार बकरी खुद पाल के देख लो, भैया मैंने छोटे पे पाली भी है, अभी मैंने बात करूँ तो 15-20 साल से मैंने नहीं पाली, लेकिन पहले मैंने पाली भी और इसका दूध भी पिया है, और मैं तो बकरी का दूध पी के ही बड़ा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आपको नहीं पता तो भैया कभी अगर चक्कर लगे हमारे गाँव में, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कुरावली के पास गाँव पड़ता है, कभी चक्कर लगे तो मैं साबित भी कर दूंगा इस बात को कि ना जी मैंने बकरी का दूध, हमारे घर पर जाके पूछ लेना, को आइडिया लग जाएगा, इतना मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, आपके यहाँ हम चलते हैं कि एक और एवरेज ले लेते हैं, आप 7 महीने का ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 15 महीने बाद आपके पास कितनी होगी, आपके पास 10 तो ये थी, 4 इनमें से कम हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगी 14 बकरी होंगी, 14 से कैलकुलेशन कर लो 1.5 की कितना हो गया 21 हो गए, टोटल कितना हो गए 54। आपके पास 15 महीने में ऑलमोस्ट मतलब सवा साल के अंदर कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे टोटल। अब 1 साल 3 महीने हो गए, अब तक हमारे पास पैसे का सोर्स नहीं था, अब हम थोड़ा सा पैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तक हमने अपना खर्चा चला लिया, जैसे मर्जी चला लिया, हमारे पास पैसे की कोई वो नहीं थी, अब हम अपना पैसा निकालेंगे, अब आपको समझाएंगे पैसा कैसे आता है। 15 महीने बाद हमारे पास 54 की संख्या हुई, हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले के 8 बच्चे थे ना इनमें 4 बकरे लगा लेते हैं, और उसके बाद के जो थे 15 इनमें से हम लगा लेते हैं 7 बकरे, कितना हो गया 7 और 5, 7 और 4 11, 11 में से एक छोड़ दो आप 10 पीस दो, 10 बकरों को आप बेच सकते हो इस टाइम, कितने के बिकेंगे 10 से भी एवरेज लगा लो 1 लाख के हो गए, ठीक है। 1 लाख रुपए को अभी आप अपने निकालने की बजाय इसको लगा दो जगह बनाने में, उनका दाना खरीदने में, मान लेते हैं ना इसको अभी आपको जगह भी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास संख्या लगभग 50 की होगी, अब आपको उनको रहने के लिए जगह चाहिए, आप इसमें कोई भी ऐसा बाड़ा या कोई ऐसी चीज़ बना लो कम जगह में कम पैसे में, 1 लाख में आराम से बना सकते हो, क्योंकि कमर तक दीवार करो और उसके बाद इनको थोड़ी सी जो लोहे की जो वो होते हैं क्या नाम पाइप उनसे लगा के इसका एक रहने का जुगाड़ बड़े आराम से बना सकते हो, 1 लाख में ठीक ठाक बन जाएगा 100 बकरियों को रखने के लिए बड़े आराम से, तो ये आप पैसा यहाँ लगा दीजिए। अब आपके पास कितनी रहेगी 10 बेचनी आपने लगा लो कि आपके पास कितना था 30-40 के आसपास लगा लो, 40-42 लगा लो अपने पास बची है, ठीक है। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं, हम लगा लेते हैं 22 महीने, 22 से और थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, 22 से 24 महीने लगा लो, अब 2 साल लगा लो, 2 साल में आपके कितनी कैलकुलेशन है, आपके 14 थे और यहाँ से कितने हो गए 8, कितने हो गए 8 और 14 22, 22 का फिर 1.5 से करोगे कितना हो जाएगा 33, और ये बच्चे कितने हो गए आपके पास 75 हो गए आपके पास 2 साल में बेचने के बाद, कितने बच्चे आपके पास 75 बच्चे बेचने के बाद 2 साल के अंदर। एक और स्टेप आगे चलते हैं, अभी आपको फिर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो पुराने वाले जो थे ना वहाँ से आप उनको फिर बेच सकते हो, जैसे पुराने वाले कितने थे 21 थे, आप लगा लो 10 फिर बेचने के लिए तैयार हो गए, फिर आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन एक स्टेप और आगे चलते हैं, तीस महीने बाद लगभग 2.5 साल बाद
ढाई साल बाद कितना आपका होगा? ढाई साल बाद अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम आपके पास 30 बकरी होगी। कितना होगा 30 का? 45 और 75, 120 की संख्या आपके पास कम से कम होगी। इसमें से बेच दिया 100, मान लो मोटा मोटा मान लो कि आपका 100 की संख्या होगी ढाई साल में। अब 100 का अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे 2 लाख के आसपास, तो आप 2-2.5 लाख का पहले से ही बेच चुके हो, कम से कम बता रहा हूँ 2-2.5 लाख का आपने बेच दिया। और 10 से भी अगर 100 का भी अगर 10 से लगाओगे ना, कितने का होगा पता है? कम से कम बता रहा हूँ आपका 10 लाख का सीधा सीधा। कितना हो गया? 10 लाख। अब 10 लाख से आप अंदाजा लगा लो आपने कितने अभी तक, ढाई साल कितना प्रॉफिट साल का हो गया? एक साल का लगभग लगभग बता रहा हूँ आपको 4-4.5 लाख के आसपास एक साल का ये प्रॉफिट निकला था। जो लगाया था वो ऑलरेडी आप निकाल चुके, और अब जो आएगा ना सारा प्रॉफिट होगा। रियलिटी बता रहा हूँ, जो अब बचेगा ना सीधा प्रॉफिट होगा। अब रही बात इसकी वैक्सीनेशन की, वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि यार बरसात से पहले इनको वैक्सीनेशन करवाया जाता है, जिससे कि ये वो क्या नाम है, इनको बीमारियाँ ना लगे। इनके जो खुर पकने की या गले में सूजन की एक मोस्ट बीमारी होती है जो ज़्यादातर बकरियों में रहती है, जिससे कि गले में सूजन आती है और वो मर जाती है। तो वो अगर वैक्सीनेशन करवाओगे तो इनसे आजकल हर बीमारी का इलाज है। प्रॉपर डॉक्टर रखो, प्रॉपर सलाह से लो, प्रॉपर ट्रेनिंग में सारी चीज़ बताई जाती है। दूसरी चीज़ रही इसकी कि कई बार लोगों ने बोला था यार बकरे नहीं रखोगे तो बकरियाँ प्रेग्नेंट कैसे होंगी? जो मैंने बताया था यहाँ पे 1-2 बकरे आप छोड़ सकते हो, 2-3 बकरे छोड़ सकते हो। अदरवाइज आजकल आपने देखा होगा गाय हो भैंस हो, आजकल तो यार उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो भाई साहब डॉक्टर आके उनको प्रेग्नेंट करके जाता है, देखा होगा यार सारी चीज़ें हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा ट्रेनिंग में सारी चीज़ बताई जाती है। जो लोगों के सवाल थे बहुत ही मतलब जायज थे, वो आपके हिसाब से थे, लेकिन आप उसको एक अलग लेवल पे लेके जाके देखो। आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ लेकर आगे देखो, आप उसको प्रॉपर उससे करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश करूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त काम है गाँव में रहकर बढ़िया पैसा कमाने का, अगर आप करना चाहते हो। और आने वाले टाइम के बाद इससे 1 या 1.5 साल के बाद आप 1 लड़का रख दो, आप उसको बड़े आराम से सैलरी दे दो, आप खुद देखभाल थोड़ी करते रहो, उसको बोलो वो आपको सारा काम करता रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा इनमें काम होता नहीं, चराने की जरूरत नहीं। आप खेत में किसी कोने पे 1-1.5 बीघा का खेत है ना, आपको 10 बीघे में या 5 बीघे में थोड़ा सा इनका रहने का जुगाड़ बना दो, बाकी सब खाली छोड़ दो, उसी में घूमते रहेंगे। थोड़ी सी फेंसिंग कर दो जिससे कि वो खेत के बाहर ना जाएं, सारे घूमते भी रहेंगे जानवर वहीं के, और वहीं आपको सब कुछ उनका होता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने कोशिश की आपको सारे के सारे सवालों के जवाब देने के और पूरा तरीके से बताने का। कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठेगा अगर आप इसको तरीके से करते हो तो अच्छे वीडियो देखने हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।